आज हम स्टडी करने वाले हैं कंप्यूटर क्या है। देखिए आजकल जो ऑफिस है जितने गवर्नमेंट के हो चाहे प्राइवेट हो, हर जगह पर कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। जनरली स्टूडेंट जो है कंप्यूटर ऑपरेट तो कर लेते हैं, यूज तो कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों को कंप्यूटर की तारीफ पूछो, कंप्यूटर की डेफिनेशन पूछो तो वही पता नहीं रहती। तो आज हम सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो देखिए कंप्यूटर की जो डेफिनेशन जो तारीफ बुक में दी हुई है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स देखिए इलेक्ट्रिसिटी जिससे कंप्यूटर चलता है वो दो तरह की होती है, एक इस तरह की पल्सेस वाली जिसमें ऐसी पल्सेस होती है और एक इस तरह की स्टेडी जिसमें पल्सेस नहीं होती। तो पल्सेस वाली जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो घर में जो लाइट इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है, उसको बोला जाता है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। और जो इस तरह की स्टेडी जिसमें इस तरह की पल्सेस नहीं होती है उसको बोला जाता है डीसी, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट, अब आप बोलेंगे कि सर हम घर में जो कंप्यूटर इस्तेमाल होता है वो कंप्यूटर तो हम जो घर में हमारी लाइट होती है उसी से इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए कि आपकी जो अल्टरनेटिंग करंट है, एसी वोल्टेज है, एसी करंट है, उसको कंप्यूटर इंटरनली कन्वर्ट करता है डीसी के अंदर। वो हमको नजर नहीं आता लेकिन इंटरनली वो कन्वर्ट होती है डीसी में, उसके बाद जाकर के आगे ट्रेवल होती है। तो ये डिटेल टॉपिक है, फिलहाल हमें उस पर नहीं जाना, पर चूंकि इलेक्ट्रॉनिक इसके अंदर वर्ड आ गया इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दिया, ये आपको समझा करके दिया। तो कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है। डेटा मतलब देखिए कंप्यूटर हम क्यों यूज कर रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा को या जितना कुछ कैलकुलेशन है उनको परफॉर्म करने के लिए, तो उसको कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में डेटा बोला जाता है। डेटा मतलब जिस काम के लिए, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसको बोला जाएगा डेटा। मान लो किसी टीचर को कैलकुलेशन स्टूडेंट की मार्कशीट बनाना है तो उसके लिए डेटा क्या होगा, सब्जेक्ट के मार्क होंगे, फिर कैलकुलेशन परफॉर्म होंगे तो टोटल होगी, फिर परसेंटेज होगा। तो डेटा जो है वो कंप्यूटर को दिया जाता है, इनपुट दिया जाता है। तो कंप्यूटर के तारीफ के अंदर सबसे पहला सेंटेंस हमने कहा है कि भाई कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, जैसे हमने कंप्यूटर के अंदर डेटा दिए कि यहां पर आकर के प्रोसेस हो, थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, वो आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर दिखाया जाएगा, उसको कहा जाएगा आउटपुट। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है, स्टोर करता है। याद रखिए सेकंड स्टेप क्या होगी उसकी, पहला डेटा का इनपुट एक्सेप्ट करना, सेकंड स्टेप होगी डेटा का स्टोर होना, वो आगे और इंशाल्लाह डिटेल के अंदर लेक्चर देखेंगे। लेकिन फिलहाल इतना समझिए कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है, स्टोर करता है, उसके बाद उस पर प्रोसेस करता है, थर्ड स्टेप। और प्रोसेस होने के बाद उनको आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइसेस पर भेजा जाता है। मान लीजिए कि आपने कीबोर्ड से ए टाइप किया या आपने इनपुट दिया, कीबोर्ड हम यूज करते हैं टाइपिंग के लिए, तो ए हमने दिए तो ये यहां पर आकर के स्टोर होगा। अब चूंकि ये कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, इसके डायरेक्ट इसको भेजा जाएगा मॉनिटर के ऊपर, मीन्स आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर। तो फिलहाल अगर आपको ये कंसेप्ट तब जा रहे हैं समझने के लिए, समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक कंप्यूटर ही नहीं देखा या कंप्यूटर देखा तो उसको ऑपरेट नहीं किया। जिन लोगों ने ऑपरेट किया है उनको ये डेफिनेशन कुछ हद तक समझ में आएगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और आपके इंशाल्लाह कंसेप्ट क्लियर होते चलेंगे। तो फिलहाल जो क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट दिखाता है, ये उसकी तारीफ होगी। नेक्स्ट ये है कि भाई हम कंप्यूटर जो है क्यों यूज कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है। तो कंप्यूटर यूज करने की तीन मेन प्रॉपर्टीज की वजह से कंप्यूटर यूज किया जाता है, कंप्यूटर की तीन मेन खसूसियात है जिसकी वजह से हम कंप्यूटर यूज करते हैं। सबसे पहला है स्पीड। कंप्यूटर जो है बहुत तेज रफ्तारी से काम करता है। सेकंड एक्यूरेसी,
देखिए अगर मैं कुछ अल्फाज आपको स्पीड से बोलने के लिए बोलूं तो एक मिनट तक के आप अच्छे से बोलेंगे, उसके बाद जाकर के आप अल्फाज की जो है तरतीब आपकी बिगड़ जाएगी। या एक कैलकुलेशन आप अगर आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए दिए जाए तो आप लोग जब तक के सही हल करेंगे स्पीड से हल करने में आप उसमें गलती खा जाएंगे। तो इसी तरह यार तो याद रखिए कि कंप्यूटर स्पीड से वर्क तो करता ही है लेकिन एक्यूरेसी भी उसकी कायम रहती है। एक कैलकुलेशन अगर हमको 10 दिन जा रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, किसी काम के अंदर कैलकुलेशन हमको परफॉर्म करना है, कोई हिसाब किताब करना है, उसके लिए हमको 10 दिन जा रहा है, कंप्यूटर उतने हिसाब किताब को एक सेकंड में करता है। तो इससे आप कंप्यूटर की स्पीड का और एक्यूरेसी का अंदाजा लगाइए और कोई उसमें वो गलती नहीं खाएगा। तो इसलिए याद रखिए कि कंप्यूटर जो है पहली खासियत क्या है उसकी स्पीड है, सेकंड क्या है एक्यूरेसी, किसी भी चीज को सही हल करना स्पीड से भी और सही। थर्ड वन जो प्रॉपर्टी है कंप्यूटर की, तीसरी जो खासियत है वो है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को स्टोर करके रखना। जनरली हम जो हमारा डेटा स्टोर करके रखते हैं वो रजिस्टर में है, किताबों में है, तो कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। एक मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर एक बहुत बड़ा कमरा है उसके अंदर बहुत सारी किताबें रखी हुई है तो आप उस पर से अंदाजा लगाइए कि उन किताबों को रखने के लिए आपको उसमें से किताब को ढूंढने के लिए उसमें और बहुत सारे जो एक्सीडेंशियल लॉसेस आ जाते हैं, बारिश का पानी आ गया, कोई दूसरे जानवर वगैरह ने किताबों को खराब कर दिए, तो ये बहुत सारी ड्रॉबैक हमारे रूल के साथ होती है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर अगर आपने डेटा स्टोर करके रखा है तो मैं आपको एक स्टोरेज की कैपेसिटी उसकी बताता हूं कि एक आपकी 10 रुपए की जो सीडी आती है या 15 रुपए की जो डीवीडी आती है या आजकल आप यूज कर रहे हैं पेन ड्राइव वगैरह मेमोरी कार्ड आप यूज कर रहे हैं मोबाइल वगैरह के अंदर स्टोर लोगों ने देखा भी है यूज भी किया, तो ये जो 10 रुपए की सीडी है उसमें मैंने आपको बताया कि बहुत बड़े कमरे के अंदर अंदर मान लीजिए कि 20x20 का एक रूम है हमारा जिसमें हमारी लाइब्रेरी बनी हुई है उसमें किताबें रखी हुई है, तो अगर हमने वही डेटा उन किताबों का टाइप करके कंप्यूटर पर रखा है तो एक सीडी के अंदर जो 10 रुपए की होगी आ जाएगा। उसके बाद आप इससे अंदाजा लगाइए कि डीवीडी जो आती है तकरीबन सीडी से 5 times मोर आती है, इसकी कैपेसिटी सीडी के मुकाबले में 5 times ज्यादा होती है। मान लीजिए हमारे सीडी की कैपेसिटी कितनी है 700 MB। अभी एमबी क्या है इंशाल्लाह हम आगे जब मेमोरी का टॉपिक देखेंगे उसको देखेंगे इंशाल्लाह स्टूडेंट्स में, तो 700 एमबी की तो ये आती है आपकी तकरीबन 4.7 GB। एक अंदाजा अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूं कि 1000 MB का 1 GB होता है, ये अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, इंशाल्लाह इसका करेक्ट कैलकुलेशन हम आगे देखेंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि 1 10 रुपए की सीडी में आपकी उसकी किताबें आ जाती, फिर आपको अगर उसमें कोई किताब सर्च करना हो तो आप जस्ट किताब का नाम डालिए आपको कंप्यूटर सर्च करके दे देगा। तो यह है कंप्यूटर की स्टोरेज की कैपेसिटी। किताबों को रखने के लिए आपको रूम लग रहा है, जितना बड़ा रूम आपका उसके अंदर रखने के लिए लग रहा है तो वो किताबें रखने के लिए आपको सीडी जो रखना होगी उसके लिए कोई रूम की जरूरत नहीं, आप सादे से पाउच के अंदर अपने जेब के अंदर उन किताबों को रख सकते। उसके बाद नेक्स्ट पर आइए कि यहाँ पर जो पेन ड्राइव वगैरह है आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है, मेमोरी कार्ड है, इनकी कैपेसिटी तकरीबन 64 GB, 32 GB, 8 GB, 2 GB, तो आप अंदाजा लगाइए कि हमको स्टोरेज करने के लिए मैनुअली अगर हमको कोई चीज स्टोर करके रखना है डेटा को तो कितना ज्यादा हमारे पास रूम तो लग रहा है, उसका ड्रॉबैक कितना है और फिर वो कब लॉस होंगे इसका पता नहीं। लेकिन अगर हमने उसी चीजों को कंप्यूटर में स्टोर करके रखा है तो हम आसानी से उस डेटा को मुद्दतों तक महफूज रख सकते हैं। ये तो एक छोटे डिवाइस है, कंप्यूटर के अंदर जो आती है वो आती है हार्ड डिस्क, HD हार्ड डिस्क, इसमें जब डेटा स्टोर होता है ये तो छोटे डिवाइस है, ये भी कंप्यूटर की डिवाइस है। हार्ड डिस्क जो है परमानेंट ये डिवाइस होता है जो हर कंप्यूटर में रहता ही है, तो उसकी तकरीबन कैपेसिटी अभी मैं आपको बता रहा हूं एक अंदाजे के मुताबिक आजकल जो स्टूडेंट परचेस कर रहे हैं 1 TB 1000 GB का मतलब, तो आप अंदाजा लगाइए कि 700 MB में इतना डेटा तो 1 TB के अंदर कितना डेटा हो। तो इन्हीं वजह से कंप्यूटर को यूज किया जाता है, स्पीड, एक्यूरेसी एंड स्टोरेज। उसके बाद कंप्यूटर के फायदे क्या है, कंप्यूटर के इस्तेमाल क्या है, तो कंप्यूटर
कि इस्तेमाल के अंदर आजकल चाहे गवर्नमेंट के ऑफिस हो, चाहे प्राइवेट हो या किसी भी तरह के छोटे मोटे लेवल के ऑफिस हो, हर जगह पर कंप्यूटर यूज होता है। जनरली स्टूडेंट उसके लिए उसको यूज करते हैं पेंट करने के लिए, वर्ड में टाइपिंग करने के लिए, एक्सेल के अंदर गेम खेलने के लिए। तो जितने आजकल जितने वर्क हो रहे हैं ऑफिशियली लेवल के ऊपर, तो कंप्यूटर वहां पर होगा ही। तो कंप्यूटर के इस्तेमाल अनगिनत है, उसको गिनाना मुश्किल है। आप अपने तौर से अंदाजा लगा सकते हैं, आप गिन सकते हैं कि गेम खेलने के लिए, टाइपिंग करने के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए, मूवीज देखने के लिए और वॉट एवर। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि कंप्यूटर क्या है, उसकी खसूसियात क्या है, हम उसे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं।